दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली मामले को लेकर के सुनवाई हो चुकी है। आप सभी को पता है, मैंने बताया था कि 2:30 बजे सुनवाई शुरू हो जाएगी और 2:30 बजे सुनवाई शुरू हो गई है और सुनवाई में क्या कुछ हुआ है एक एक करके हम आपके सामने बातें रखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और जो दूसरे नेताओं के ऊपर कल के जस्टिस मुरलीधरन ने कहा था कि FIR होनी चाहिए, वो FIR नहीं हुई है। जिस पर सॉलिसिटर जनरल जो कि दिल्ली पुलिस की तरफ से पक्ष रख रहे थे, उन्होंने कहा है कि अभी उन लोगों के ऊपर जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए हैं उनके ऊपर FIR दर्ज करने का यह सही समय नहीं है। शायद सही समय कब आएगा यह किसी को पता भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सुनवाई अब जो है टल गई है। अब यह बताया जा रहा है कि 4 हफ्ते के लिए और टाइम दिया गया है केंद्र सरकार को और बताया यह जा रहा है कि दिल्ली मामले पर अब 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। 13 अप्रैल आप समझिए, 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ और महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है कि कपिल मिश्रा के ऊपर FIR होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और जो जो लोग इसमें शामिल हैं वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, सब पर FIR होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं दिल्ली मामले पर अब तक जो है जो कैजुअलिटीज की संख्या वो ये आ रही है कि जो 34 पहले थी वो बढ़कर के 37 हो गई है। साथ ही साथ दिल्ली मामले पर जो है अब दिल्ली पुलिस को 13 अप्रैल को अपना जवाब दायर करना होगा। जो जवाब होगा उनका, जो पूरी रिपोर्ट है कि उन्होंने क्या क्या कार्रवाई की है अभी तक, वो दायर करना होगा। इसी के साथ साथ सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा है कि अभी तक 48 FIR दायर की गई हैं, कोर्ट में यह बात रखी है। साथ ही साथ 106 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है, यह बात भी उन्होंने कही है। लेकिन आप जरा यह चीज सोचिए, कल जब जस्टिस मुरलीधरन ने कहा था कि आज किसी भी हालत में FIR होनी चाहिए और रात को ही उनका ट्रांसफर हो गया था, तो सब लोगों को यह पता चल गया था कि शायद इसी तरह का कोई यानी कि आदेश आ सकता है हाईकोर्ट की तरफ से, और वही हुआ है। अब जो है दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को 13 अप्रैल को हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी और यह बताना होगा कि अभी तक उन्होंने क्या क्या कार्रवाई अभी तक की है। ठीक है, तो चलिए इस पे आपका क्या कहना है, आप अपनी राय क्या रखना चाहते हैं नीचे वीडियो के मेन्यू में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।